चर्चा का विषय है कुमार जीवन। कुमार जीवन अगर देखा जाए तो बहुत ही संघर्षमय होता है और बहुत चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर भगवान का साथ हो तो ये कुमार जीवन भी बड़ा आप अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे और कुमार जीवन को आप एक श्रेष्ठ जीवन की तरह आप जी सकेंगे। कुमार जीवन में वैसे तो परेशानियां या दिक्कतें काफ़ी आती हैं, मुश्किलें काफ़ी आती हैं, क्योंकि आपको ही ब्राह्मण होते हुए सभी अपना खाना बनाना है, क्योंकि बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, सारा घर का काम भी करना है, बाहर का भी काम करना है। आजकल के समय में जैसे महंगाई इतनी है तो अपनी नौकरी जॉब भी करनी है, और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण जीवन में रहते हुए परमात्मा की जो श्रीमत है उनको धारण करते रहना है, उसको फॉलो करना है जीवन में, और शेष श्रीमत पर चलते हुए दूसरों को भी इस मार्ग पर लाने का अपना प्रयत्न करना है, जो बाबा कहता है सेवा करनी है। तो जब हम अपने हमारी ज्ञान योग के द्वारा हमारा अंदर में हमारी जो धारणाएं होंगी तभी ऑटोमेटिकली कुमार जीवन या कोई भी ब्राह्मण सेवा कर पाएगा। तो कुमार जीवन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही एक फ्री लाइफ है, आप अपनी जॉब करने अपनी नौकरी करते हैं, घर में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, उसके बाद में आप फ्री हैं, क्योंकि आप कुमार जीवन सिर्फ बाबा के लिए है आपका। बाकी घर गृहस्थ में रहते हुए लोगों का उनके दोस्त भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, लेकिन कुमार जीवन रहते हुए वो अपने तक सीमित है, अपनी नौकरी तक सीमित है और बाबा के ज्ञान तक सीमित है। तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय कर सकता है और दूसरों की सेवा में लगा सकता है, दूसरों को आप समान बनाने में, बाप समान बनाने में मदद कर सकता है। और जहां तक मेरा जीवन है, बचपन से ही मेरा थोड़ा शादी ना करने का विचार था, शादी ना करने का था, तो परिवार में सभी ने मुझे बहुत कहा शादी करने के लिए। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अच्छी खासी नौकरी थी, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इस जीवन से थोड़ा सा लगाव नहीं था। मुझे था कि कुछ अकेले रहकर और एक फ्री लाइफ जीकर कुछ मैं जॉब करूं, नौकरी करूं, कुछ अपने माता पिता के लिए करूं खासतौर पर। तो जब परमात्मा का ज्ञान मुझे ये टच हुआ, क्योंकि माता पिता ज्ञान में आए और उनके आने के करीब मैं 14 साल के बाद मुझे बाबा की टचिंग हुई, जब मुझे माउंट आबू आने का मौका मिला और माउंट आबू आने के बाद में जब ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स मैंने ओम शांति भवन देखा और इस ज्ञान को सुना, तब मुझे अचानक ही परमात्मा का एक चुंबक लगा और मैं बस अगले महीने ही यहाँ पे समर्पित हो गया मधुबन में। मधुबन में आया तो सूर्य भाई ने पूछा मुझसे कि आप समर्पित होने के लिए आया? मैंने कहा नहीं, सेवा पे आया। लेकिन उन्होंने मुझे उसी दिन पहले दिन सर्टिफिकेट दे दिया, आप समर्पित हो जाइए, आप कुमार हैं, बचपन से ही मैं आपको जानता हूँ, आपके माता पिता सब मेरे को रिपोर्ट देते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जीवन है, आप सेवा में आप जीवन दीजिए, आपको पैसे से लगाव नहीं है। तो इसलिए कुमार जीवन के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर डिटैचमेंट हो, ब्राह्मणों में भी अगर डिटैचमेंट हो, तभी परमात्मा से योग लग पाएगा। अगर अटैचमेंट है तो हम वही देहधारियों में या समाज में जो आजकल ऐसे कार मोबाइल उसी में लगे रहते हैं सारे टाइम, फिर परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना संभव ही नहीं। तो कुमार जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुमार जीवन खासतौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण पहले से ही डिटैच होते हैं और ज्यादा वो देहधारियों में नहीं आते हैं, तो उनको परमात्मा से योग लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे बाबा ने कहा है सहज राजयोग, तो सहज ही योग लग जाता है। और जैसे कार्य कामकाज करते हुए अपनी नौकरी करते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो उन्हें वो शक्तियां प्राप्त होती हैं और उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए जो पहले नहीं मिल पाता था, परमात्मा की याद में जो कर्म करते हैं तो उनसे अच्छा रिटर्न मिलता है कुमारों को। और जैसे कुमार जीवन है आजकल इस समाज में, इस कलयुग में, और वो भी कलयुग के अंत समय पे चुनौतियां बहुत आती हैं, तो चुनौतियां बहुत आती हैं और कुमार लोग उसको देखकर घबरा जाते हैं, माया के जो पेपर्स आते हैं तो, और फिर वो सोचते हैं कि परमात्मा से थोड़ा सा डिटैच हो, उनका योग लग नहीं पाता है। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा, जितना परमात्मा से योग लगा के रखेंगे, जिनको जितना उनको साथी बनाकर चलेंगे, एज योर कंपेनियन, एज योर फादर, एज योर मदर, एज योर बिलवड, एज योर फ्रेंड, तो हम उस रिश्ते से उसको सदा अपने साथ में रख सकेंगे। जैसे कई बार होता है, आपने लैला मजनू का भी उदाहरण सुना है, उनका जो स्नेह था, प्यार था, उनका संबंध जो था वो दूसरे तरह का था, लेकिन वो सदा एक साथ रहते थे। ऐसे ही हमारे माता पिता हैं, जब हमें कोई परेशानी आती है तो माँ बाप के पास में जाते हैं,
जब कोई हमें पर्सनल बात करनी होती है तो हम अपने दोस्त के पास जाते हैं, तो माता पिता के पास नहीं जाते। कुछ भी हमें पैसा चाहिए तो डैडी मम्मी के पास में जाते हैं, या कोई सलाह लेनी होती है तो हम अपने गुरु के पास में जाते हैं। तो परमात्मा को भी हमें उसी रूप में हमेशा साथी बना के चलना है। और सबसे जरूरी है, आजकल जो मैं मधुबन में रहते हुए, जैसे मुझे इतने साल हुए हैं, लोग मेरे से अभी तक भी प्रश्न पूछते हैं कि भाई साहब हम अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, मिस हो जाता है, तो बताइए उसके लिए क्या करें। पूरा दिन अगर आप अमृत वेला नहीं करेंगे तो सारा दिन आपका ड्रेन आउट होगा, एनर्जी ड्रेन आउट होगी, क्योंकि अमृत वेला ही हमें जो पूरा दिन भर के लिए चार्ज रखता है। क्योंकि परमात्मा सिर्फ हमें हमसे मिलन मिलाने के लिए, मनाने के लिए अमृत वेले में आते हैं। और अमृत वेले में हम सो रहे हैं, या हम थोड़े से दिल शिकस्त हो गए हैं, या रात को लेट सोए हैं, तो परमात्मा हमें शक्तियां कैसे देगा? तो वो शक्तियां नहीं मिलेंगी, तो दिन भर में हम अगर हमारे सामने अगर माया के पेपर्स आते हैं तो हमको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे, तो परमात्मा से धीरे 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 दूर होते जाएंगे। इसलिए अमृत वेला बहुत जरूरी है, और परमात्मा के महावाक्य जरूरी है। परमात्मा के महावाक्य जो मुरली कहते हैं वो सुनेंगे तो उनमें आपके ऊपर आप खुद ही इसको फील करेंगे, परमात्मा ने रोज ही आपके बारे में कुछ ना कुछ उसमें मुरली में कहा है। आप उस पॉइंट को धारण करो, पूरा मुरली आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे बारे में आज भगवान ने मुरली में क्या बोला है, बस आप उसको धारण कीजिए, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए और उसको प्रैक्टिकल रूप में धारण कीजिए। और शाम का योग अगर आप चलते फिरते भी करना चाहते हैं, कहीं बैठकर करना चाहते हैं, संगठित रूप में करना चाहते हैं, या काम काज करते हुए भी, क्योंकि शाम के टाइम में ज्यादातर लोग बिजी होते हैं, तो काम काज करते हुए भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अमृत वेला और मुरली कभी नहीं मिस करनी है, चाहे आप कहां भी हो, देश के किसी कोने में हो, रात को आप चाहे 1 बजे भी सोए हो, फिर भी आप उठ के बेशक आधा घंटा अमृत वेला करें, मुंह हाथ धो के अच्छी तरह से फ्रेश होके करना। सिर्फ हाजिरी नहीं लगानी है, परमात्मा से योग लगाना है, क्योंकि वही वो उस समय शक्तियां देने के लिए हमें आया है, जो पूरे दिन जो हमारे जिंदगी भर काम आने वाली है।